पुलिस का जुल्म, पुलिस कुछ पैसों के वास्ते बिक चुकी है, कुछ पैसे लेके एविडेंस पूरे फिनिश कर दे के आज बोल रही कोई एविडेंस नहीं है, कुछ अरेस्ट नहीं करते बोल रहे, पुलिस बिक चुकी है, पुलिस बेकार हो चुकी है, लाखों हजारों के तनख्वाहें लेके एसी गाड़ियों में फिर रहे, एसी ऑफिसों में बैठ रहे, 5 मिनट गरीब इंसान की बात सुनने के वास्ते वक्त नहीं है। पुलिस बेकार हो चुकी है, लाखों हजारों के तनख्वाहें लेके एसी गाड़ियों में फिर रहे, एसी ऑफिसों में बैठ रहे, 5 मिनट गरीब इंसान की बात सुनने के वास्ते वक्त नहीं है। मैं सुबह 10 बजे से भूखा फाखा SOT DCP साहब रविंदर रेड्डी साहब के वास्ते बैठा हुआ हूँ, आके ऑफिस में जाके बैठे हुए 5 मिनट गरीब आदमी से नहीं मिलते। अगर ये आवाम, ये गरीब आदमी, ये पब्लिक नहीं रहेंगी तो ACP कैसे रहेंगे, उन्होंने DCP किस काम करेंगे, जंगल में जानवरों पे हुकूमत करेंगे, राज करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे वास्ते है, हमारे से मिलो, हमारी खिदमत करो, हमारे से, हमारा सेल टैक्स, हमारी कमाई के पैसों से आप लोगों को तनख्वाहें मिल रही, हमारे को इंसाफ दिलाइए। चंद पैसों के वास्ते ऐसे मुजरमों के वास्ते आप लोग साथ दे रहे हैं तो कल कुछ नहीं होगा, शहर एक गुंडा राज हो जाएगा, गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा। साफ इंसाफ के वास्ते बैठा हुआ हूँ, भूखा फाखा बैठा हूँ इंसाफ के वास्ते, मर जाऊँगा मैं लेकिन मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मेरी लाश जाना या मेरे को कोई झूठे केस में इल्लोगा बुक कर देना या फिर मेरे को शूट करके फेंक देना, क्योंकि 6 महीने हो गए 307 केस के अंदर उन्हें मेरे को मार के फेंक दिया। बालापुर पुलिस स्टेशन से चल रहा, क्राइम ब्रांच को गया, कमिश्नर के पास गया, फलां फलां जगह गया केस, अब SOT के पास आके 2 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर। हर दिन, हर दूसरे दिन मैं ऑफिस पुलिस स्टेशन को फिरता रहा हूँ, भाई कोई मुजरिम हो, मुजरिम घर में आराम से बैठा हुआ है, शायद है या मुल्क छोड़ के भाग गया होगा, पता नहीं, इन लोगों को खुद नहीं मालूम है। उसको अरेस्ट करो, रिमाइंड करो, बस ख़त्म, मेरे को इंसाफ दियो। अगर आज ये मेरे साथ इंसाफ मिल रहा तो अपने शहर की आवाम के साथ इंसाफ है, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा खुदा ना खास्ता कल ये हादसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आप लोगों से भी हादसा हो सकता है। आप लोग कल किसके हादसे जाएंगे, यहाँ आएंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बीमार इसमें, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, मैं सुबह से एक घूट पानी नहीं पिया, अब हूँ, अगर शाम तक या कल तक कुछ भी अगर मेरे को हो गया, मैं मर गया, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस है, हमारे स्टेट की पुलिस है, हमारे शहर की पुलिस है, इसके ज़िम्मेदार बस। मेरा पेस देखो साहब बालापुर पुलिस स्टेशन में है, भास्कर साहब 4 महीने से कुछ नहीं करे, देवेंद्र साहब कुछ नहीं करे, ACP साहब कुछ नहीं करे, कमिश्नर साहब के पास जाके आया मैं, कमिश्नर साहब 1 हफ्ते में इन लोगों को है सो अरेस्ट करने के वास्ते आर्डर दिए, तो लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं क्या उससे, चलो भाई 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, हम तुम्हारे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे को टाइम दिया, अगर तुम पैसा नहीं देंगे तो हम तुम्हारे को अरेस्ट करेंगे, नहीं तो बोल के डील कर रहे हैं क्या उससे, क्या चीज़ का सोच रहे हैं, क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने से क्या करी पुलिस, एक एविडेंस एक छोटे से केस का नहीं निकाले तो क्या करते। इंसाफ होना है भाई, सद्दाम हुसैन को 307 केस के अंदर अरेस्ट करिए, 6 महीने हो गए, जब तक सद्दाम हुसैन को अरेस्ट नहीं करेंगे मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा भूखा प्यासा, SOT टीम के पास रोड पे ऐसी भूख हड़ताल में बैठा रहूंगा। देखो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होना, मैं शहर की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे आवाज़ से दुआ करिए, क्योंकि मैं अपनी सेहत की दुआ नहीं मांग रहा हूँ, मैं ऐसे दरिंदे मुजरमों को अरेस्ट करने के आवाज़ से मांग रहा हूँ। आज अगर मुझे इंसाफ मिला तो कल शायद आपको भी इंसाफ मिलेगा, वरना ना इंसाफी होते रहेंगी ये शहर में। 6 महीने हो गए,